जय मांबे, जय जगदम्बे, नमः शिवाय। आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हे माँ जगदम्ब, सबका कल्याण करो। जो भी आपकी महिमा सुन रहे हैं, उन सबकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो, सबकी रक्षा करो माँ। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध प्रकार के उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूँगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, हे देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है, हमें सब कुछ मिल गया। तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बतावें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्ग उत्तरदारिणी, दुर्ग निहंती, दुर्ग मपाहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दबानला, दुर्ग माँ, दुर्ग माँ लोका, दुर्ग मात्म स्वरूपनी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्ग माश्रता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भाषिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्थ स्वरूपनी, दुर्ग माँ सुरसाहंत्री, दुर्ग मयोद्धारिणी, दुर्ग मतंगी, दुर्ग मता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्ग दारिणी, नामावली मीमामस्तु, दुर्गाया मन मान बहा, पठेत सर्व भयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नामावली का पाठ करता है, वह निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्वैध बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर बद के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए, अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो भी इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भय नाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और सठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्तियों में पड़ने पर भी इसका नाम माला का पाठ करता है, 1,000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता है या ब्राह्मणों से करवाता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफ़ेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करें तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुरुष चरण 30,000 का है। पुरुष चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर लेता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बना दें। आठों भुजाओं में
क्रमशः गदा, खड़ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल खेट और मुदगर धारण करावें। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा चिन्ह हो, उसके तीन नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह हिंसा सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करें। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए सोबार पूजा करें और मंत्र जाप करते हुए कुएं से हवन करें। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावें। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्यों को सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनता है उन पर कोई विपत्ति नहीं आती है। जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे, नमः शिवाय। हे माँ सबकी रक्षा करो, सबका कल्याण करो माँ।